अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप P2P के ज़रिए आप USDT कैसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप उनको पेमेंट कर सकते हैं जेस कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, किसी भी तरीके से आप उनको पेमेंट कर सकते हैं और थोड़ी देर में आपके पास USDT अकाउंट में आ जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए आसान तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है परचेज़ करते वक्त, वरना हो सकता है कि आपको फ्रॉड हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी होते हैं वहाँ पे जो आपसे पैसे तो ले लेते हैं मगर बाद में आपको USDT मिलते नहीं हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। P2P से USDT ख़रीदने के लिए आपको पहले वॉलेट में जाना होगा, ठीक है। वॉलेट में ये ऊपर काफ़ी सारे टैब्स आते हैं, स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर। तो आपको जाना है P2P में। आपको क्या करना है, बाय करना है तो बाय पे टच करना। बाय पे आपने क्लिक किया, ये आएगा बाय का सेक्शन। ये यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे एक्सचेंज होंगे और उन्होंने अपने अपने रेट लगाए हुए होंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं 6 रिंग, ठीक है, ये इसका एक्सचेंज का नाम है और 22 ट्रेड्स, यानी कि 22 मरतबा इसने लोगों को अभी तक सेल किया है। तो हमें क्या देखना है, जिसने ज़्यादा ट्रेड्स किए हो यानी कि हमारे लिए वो ट्रस्टेड वही होगा। तो हमें ऐसा कोई देखना है जिसकी ट्रेड्स ज़्यादा हों, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखनी है लिमिट, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो अपनी लिमिट सेल रखते हैं कि हम मिनिमम इतना देंगे और मैक्सिमम इतना देंगे। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये ज़्यादा दे रहा है, ये 50,000 रुपये का दे रहा है सेकंड वाला, ये 1 लाख का दे रहा है। तो हमें अभी सिर्फ एक डेमो, आपको डेमो दिखाने के लिए थोड़े से परचेस करने, तो वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। जैसे ये AM ट्रेडर है, इसने 272 ट्रेड्स अभी तक की है और ये मिनिमम दे रहा है 20,000 रुपये का। और नीचे इसका पेमेंट मेथड जो है वो बैंक ट्रांसफ़र है, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र ही लेगा। तो हम इससे परचेस कर सकते हैं, इसने 20,000 का लिमिट है इसकी, मिनिमम 20,000 रुपये का देगा। और नीचे देखते हैं हम, ये सबकी अपनी लिमिट सेट होती हैं, मगर हमने मेन चीज़ जो है वो ट्रेड्स भी देखनी है, क्योंकि अगर आप कम ट्रेड्स वाले के पास जाएंगे हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए या कोई चक्कर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 30,000 रुपये का, 24,000, 15,000, ये 15,000 का मिनिमम दे रहा है मगर इसकी ट्रेड्स कम है, तो हम इसको इसके पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रेडर है ये 20,000 का मिनिमम दे रहा है और इसकी ट्रेड्स है 1178, बहुत अच्छी ट्रेड्स की हुई है इसने, हम 171 रेट इसका है। दोस्तों, आप ये एक चीज़ लाजमी देखें कि रेट पे ना जाएं, अगर 1-2 रुपये का आपको फ़र्क आता है और उसकी ट्रेड अच्छी है तो आप उसके पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी सजेशन तो यही होगी, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये यहाँ पे AM ट्रेडर से हम इसके पास जाते हैं, ये बोला रिफ़्रेश करें क्योंकि टाइम हो गया, ठीक है। ये हमने पेज को रिफ़्रेश कर दिया, अब हम देखते हैं जिसकी ट्रेड अच्छी हो और लिमिट कम हो आपको दिखाने के लिए। तो हम जाते हैं इसके पास, AX ट्रेडर्स, 1,000 ट्रेड्स की हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो अमाउंट लिखें कितने अमाउंट का आपको चाहिए क्रिप्टो, या आप यहाँ पे क्रिप्टो पे जाके आप बता दें कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो अमाउंट यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। जैसे $100, $200 और ये मिनिमम दे रहा है $113, यानी कि 19,000 का मिनिमम ये इतना दे रहा है, 19,456 का, तब की अपनी लिमिट है। ये मिनिमम इतना दे रहा है, मैंने कहा अगर मैं 10,000 खरीदूँ मैं नहीं खरीद सकता, तो हम इसके पास भी जा सकते हैं वरना कोई और भी दे सकते हैं। हमें काफ़ी सारे सेलर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आराम से देख सकते हैं। ये 20,000 का दे रहा है मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000 तो ये आ जाएगा 20,000 का, 20,000 का आपको कितने आएंगे, $116 आएंगे, क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। हम तो इसके पास जाते हैं, इसकी ट्रेड्स भी अच्छी हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टर्म में भी लिख अपने तरफ से मैसेज लिखते हैं, जैसे माई व्हाट्सअप मी इफ़ आई डोंट रिप्लाई, मगर आप कोशिश करें व्हाट्सअप पे ना जाए, यहीं पे बात करें जो करनी है, क्योंकि ये पूरी रिकॉर्ड होती है। तो कोई मसला भी आ जाए तो आप उनको अपील कर सकते हैं बाइनेंस वालों को, तो आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, वो खुद ही आपको दिला देंगे, ठीक है। आप बाय USDT पे जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ मुझे 20,000 के चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पेमेंट मेथड दिया होगा, यहाँ पे बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट मेथड पे, तो ये बैंक आ जाएगा। तो उसने अपने बैंक का अकाउंट दिया है, ये नाम है, ये अकाउंट नंबर है और ये सब कुछ है। और यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन होता है,
सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जो सेलर है वो ऑनलाइन है या नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन नहीं होगा आप पेमेंट सेंड कर देंगे फिर आप इंतज़ार में बैठे होंगे कि पैसे आए क्यों नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वेरीफाई कर लें। तो मैं इसको लिखता हूँ हेलो डियर, अगर वो रिप्लाई देता है तो हम इसको पेमेंट सेंड करेंगे। ठीक है ठीक है, ये बोल रहा है कि यस, तो उसको हम बोलते हैं 2 मिनट वेट करो, हम सेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड पे आएंगे, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं बैंक ट्रांसफ़र में नाम अकाउंट नंबर जो भी है ये आप देख लेना, सेंड करते वक्त ये सेम ही होना चाहिए। अगर इसका नाम चेंज है या कोई भी मसला है तो आप उसको पेमेंट सेंड ना करें क्योंकि बाद में आपके लिए मसले हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैंक नंबर कॉपी करेंगे। तो अभी मैं अपने अकाउंट से इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर चैट पे जाते हैं इसको बताते हैं। तो उसको हमने 20,000 रुपये पूरे सेंड करने हैं। इसकी बैंक थी जेस और अकाउंट नंबर भी वहाँ पे मेंशन था, इसको वेरीफाई करेंगे। ये अकाउंट नंबर वेरीफाई करने से अकाउंट का टाइटल आ रहा है अल मदीना ट्रेडर्स, अब वहाँ पे देखना है कि यही आ रहा है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग ब्रांच, ये ब्रांच का नाम शायद आ रहा है अल मदीना ट्रेडर्स, सही है। पर्पस ऑनलाइन लिख लें, ऑनलाइन परचेस कर लें, कोई मसला नहीं है। 20,000 रुपये, निक नेम रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसको अभी हमने पेमेंट सेंड कर दी है, मैंने अभी 20,000 रुपये इसके अकाउंट पे भेज दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र नेक्स्ट। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यानी कि फाइनेंस वालों को भी पता चल जाएगा आपने इसको पेमेंट भेज दिया है। आप ट्रांसफ़र में आएंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र के बाद आपको चैट में बता देंगे भाई आपने पैसे भेज दिए हैं, प्लीज़ चेक। तो अब वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको USDT वो भेज देगा। ठीक है, वो बोला ओके थोड़ी देर में अभी करेगा, अब आपको कहीं भी नहीं जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वो नहीं कह रहा, आपने काफ़ी टाइम वेट करें, तो आप यहाँ अपील पे क्लिक करेंगे। अपील पे क्लिक करेंगे तो उसके ये होगा कि बाइनेंस वाले आपको USDT दिला देंगे वेरीफिकेशन के बाद, उसके जो USDT है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये अपील आप यूज़ कर सकते हैं मगर इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ी देर वेट करें। ये देखें, ये बिल्कुल परचेज हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं $116 आ गए मेरे अकाउंट में जैसे ही पेमेंट भेजी। इसी तरीके से आप भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि सेलर ऑनलाइन हो, रेट उसका सही हो और जो भी है। ठीक है, अब हम अब जाके अपने अकाउंट में देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप उसको अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, मैं बोलूँगा पॉजिटिव सही है, डन करेंगे। ठीक है, ये इतने USDT मेरे पास आ गए, ये डील कम्प्लीट हो गई है उसका। हम बैक जाएंगे, वापस P2P में आएंगे। अब P2P में देखेंगे कि मेरे $116 यहाँ पे आ गए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।